हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नए डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया और डिजाइन के लिए हमने अलग से कपड़ा लिया पिंक कलर में। तो मैं आपको ब्लाउज को साइज बताती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई लिया हमने 15 इंच लिए, तैयार में 14 इंच आएगी। ये हम 32 साइज का बना रहे हैं, तो डबल फोल्ड में 8 इंच ले लिया और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुंडी भी 6 इंच लिए और 1.5 इंच की इसमें गुलाई दी है। देखिए, जो डिजाइन हम कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर ब्लाउज पे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसका जो लंबाई लेंगे वो हम 11 इंच लेंगे। तो आप अपने हिसाब से डीप और कम भी ले सकते हैं। और देखिए, यहां से 3.5 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह। देखिए, इस तरह यहां से इस तरह हम इसे कट करेंगे। देखिए, हमने ब्लाउज स्क्वायर रख लिया नीचे, और देखिए जो हमारी साइड है यहां से हम इस तरह हम देखिए बेल बना लिया हमने, और इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे इस तरह, और पूरा पिन से सेट कर लेंगे हम। देखिए, इस तरह हमने पिन सेट कर लिया, और पूरे में सिलाई लगाएंगे, बीच का हम कट करेंगे और नीचे हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे, फिर साइड से हम पलट देंगे इसे। और देखिए, यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, तो हम इसकी डोरी कट करेंगे पिंक कलर की। देखिए, हमने पिंक कलर कपड़ा लिया है, इसकी हम पट्टी कट करेंगे 2.5 इंच चौड़ी। देखिए, इस तरह ने पट्टी कट कर ली है, इस तरह हम इसे रखेंगे और इस साइड में हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे, फिर से हम पलटेंगे जैसे डोरी पलटते हैं हम। देखिए, नीचे मैंने इस तरह ब्लाउज की रख ली है, और देखिए मैंने डोरी भी निकाल ली है। डोरी की वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, डोरी की वीडियो। तो देखिए, इस तरह लाइनिंग के अंदर रखेंगे हम। देखिए, समय सिलाई लगा दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए, हमें नीचे फिनिशिंग दे दिए, अभी बीच वाला हम नेक कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर दिया, इसे हम पलटेंगे साइड से। देखिए, इस तरह मैंने पलट लिया, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी, नीचे भी हमें सिलाई लगा दी और प्लेट भी डाल दी, 4 इंच लंबी प्लेट। देखिए, इस तरह देखिए जो हमारे निशान लगाया है, अब हम ये पट्टी तैयार करेंगे पिंक वाली। तो देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह सिलाई लगा दी, ऐसे हम पलटेंगे पट्टी को।
देखिए इस तरह पट्टी निकाल ली, देखिए हमने जो निशान लगाया था और इस तरह की पट्टी है इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह प्लेट डालेंगे, देखिए इस तरह हम प्लेट डालते हैं, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डाल दी हमने, टूरिंग लगा दी है, इसमें हमने टशन भी लगा दिए और देखिए साइड में हमने डिजाइन भी दी है, तो देख सकते हैं कितना सुंदर बना हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से भी सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी